गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.5 पे पहला प्रश्न हमारे पास, इसके चार भाग हैं और इसमें हमें देखना है कि किन समीकरणों का हल अद्वितीय हल है, किनका अपरिमित रूप से अनेक हल है या किसका कोई भी हल नहीं है। ये पहले हम कर चुके हैं कि किस प्रकार हम निकालेंगे, इनके हल किस प्रकार के होंगे। तो हम a1/a2 देख लेते हैं, इसका 1/3 b1/b2 घटा 3/9 माइनस से माइनस कर दिया, 3 × 3 = 9, तो ये दोनों बराबर हो गए। तीसरा -3/-2, -3 आ गया 3/, क्या बच गया, ये 3/2 बच गया। ठीक है, अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, इसके तीसरे भाग को भी देखें एक बार, a1/a2 3/6, 3×3 = 6, 1/2, b1/b2 -5/ यहाँ -10, 0 से 0 -90 कट गया, 5×5 = 5, 5×10 1/2, और c1/c2 20/40, 20×20 = 40, 1/2। अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अब हम दूसरा भाग देखते हैं, a1/a2 2/3 बराबर होगा 1/2 के, क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, ये हमें हल करना है। ठीक है ना, जिसका एक अद्वितीय हल है उसे हमें हल करना है। अब यहां भी देख लेते हैं, a1/a2 कितना हो गया 1/3, और b1/b2 कितना हो गया 3/93, 3×3 = 3, कितना गया 1, ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि इसके भी एक अद्वितीय हल है। तो ये दोनों हमें अब वज्र गुणनखंड विधि से हल करने हैं। अब हम पहले दूसरे भाग को हल करते हैं वज्र गुणनखंड विधि से। इसको हल करने से पहले इसको सही फॉर्म में हम लिख लेते हैं, सही फॉर्म इसकी क्या बनेगी, 2x + y, और ये 5 के घटा का 5 हो जाएगा बराबर 0, और यहाँ से 3x + 2y, और 8 के घटा का 8 बराबर 0। अब हम वज्र गुणनखंड विधि x, y और 1 को लिखते हैं। अब पहले b1 से शुरू करते हैं, b1, b2, 1 और 2, फिर -5 और -8, c1, c2, उसके बाद 2 और 3, a1, a2, और उसके बाद हमारे पास फिर b1, b2। अब x बटे हम क्या लेंगे, ये देखें, पहले इन दोनों गुणा, 8 की और -8 की -8, और घटा में 5 की और -5 की और 2 की -10, यहाँ से y बटे इन दोनों गुणा -5 और 3 की -15 है, घटा यहाँ से -8 और 2 की घटा 16 है बराबर 1/2 इन दोनों गुणा 4 और 3 = 3। यहाँ से x = -8 और -9 = 0 -8 और 10 = y = -15 है, फिर -9 = 16 है, और 1/4 में से 3 = 1। अब यहाँ x हमारे पास क्या बच गया, 10 में से 8 = 2, और y क्या बच गया, 16 में से 15 = 1। जब हम इसको किसके बराबर रखेंगे, x/2 को किसके बराबर रखेंगे, 1/1 के, तो हमारे पास x क्या हो गया, यहाँ से हर पर गुणा करेंगे 2, और जब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो y क्या आ गया, 1 × 1 = 1, तो हमारे पास ये दोनों मान आ गए हैं x = 2 और y = 1 वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब चौथे प्रश्न को भी उसी प्रकार देख लेते हैं, ये हमारे पास सही फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x, y और 1 लेंगे इसी प्रकार। x के साथ हमें क्या लेना है, a1 और a2 हमारे पास 93 और 93 है, b1 -3 और b2 भी 93 है, फिर c1 -7, c2 -15 है, और a1 1 है, a2 3 1 3, और उसके बाद फिर वही पहली 3 + 3। ठीक है,
अब x बटे हम क्या लेंगे पहले, इन दोनों गुना, 15 45 और नेगेटिव पॉजिटिव 45 नेगेटिव साथ ही 21 नेगेटिव पॉजिटिव 21 हमारे पास आ जाएगा घटा में, और y बटे साथ ही 21 घटा का 21 हो गया और घटा 15 एकम 15 हमारे पास आ गया ठीक है, और 1 बटे 3 एकम 3 नेगेटिव 3 आ गया हमारे पास, और नेगेटिव में इनकी गुणा करेंगे 3 3 नेगेटिव 9 हमारे पास आ गया ठीक है। अब यहां से x बटे क्या बच गया, 45 में से 21 गए 24, और y बटे यहां से देखें जोड़ का 15 हो गया ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 21 घटा गया तो घटा का 6 बचेगा, और 1 बटे ये जोड़ का 9 हो गया, जोड़ के 9 में से 3 गए 6 हमारे पास बचेगा। अब पहले हम x बटे 24 को 1 बटे 6 के बराबर रखेंगे, x बटे 24 को मैं किसके बराबर रखूंगा 1 बटे 6 के ठीक है, हर बार गुणा करें, x बराबर क्या हो गया 24 बटे 6, 6 × 6 6 × 24 तो x बराबर कितना हो गया 4। अब y बटे नेगेटिव 6 को मैं 1 बटे 6 के बराबर रखूंगा तो y बराबर क्या हो गया नेगेटिव 6 बटे 6, ये नेगेटिव 6 इधर गुणा हो गया और 1 से कटेगा और नेगेटिव 1 इसका आंसर आ गया, अर्थात हमारे पास क्या आ गया y का मान नेगेटिव 1 और x का मान 4 वज्र गुणनखंड विधि से। अब ये और भी छोटा प्रश्न हमारे पास इस विधि के द्वारा हो रहा है, जो हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में किया था वो थोड़े लेंथी प्रश्न हमारे पास बन रहे थे, लेकिन वज्र गुणनखंड विधि से ये प्रश्न अब छोटे बन रहे हैं, तो आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।